तो साल 2021 बीत गया है और साल 2022 का आगाज हो चुका है। हर क्षेत्र की तरह सियासत के लिए भी 2022 काफी कुछ नया लेकर आया है। मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2021 में अपने बदले अंदाज के लिए साल भर चर्चा में रहे। 2022 में भी शिवराज सिंह की संवेदनशीलता के साथ साथ सख्त प्रशासक की छवि भी नजर आएगी और उनकी ये नई छवि मध्य प्रदेश में बड़ा बदलाव ला सकती है। छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा, पूरी जिंदगी भर जेल में चक्की पिसवाऊंगा। कलेक्टर आज बैठे होंगे, सुन ले, यहाँ के तहसीलदार को भी सस्पेंड तत्काल किया जाता। 2021 में कुछ ऐसे ही तेवर रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के। मामा की शॉप छवि के साथ साथ एक हार्ड एडमिनिस्ट्रेशन का रुतबा भी अब उनके व्यक्तित्व में साफ झलकने लगा है और उम्मीद की जाने चाहिए कि 2022 में शिवराज सिंह चौहान की ये दोनों छवियां और भी परिपक्व होंगी। पुराने साल के बीतने और नए साल के आगाज की तरह ही साल दर साल शिवराज सिंह चौहान एक सीएम के तौर पर तो निखरे ही हैं, एक जननायक के रूप में भी प्रदेश ने उनके व्यक्तित्व को लगातार मजबूत होते देखा है। कलेक्टर यहाँ पे हैं, सर्वे का काम तत्काल प्रारंभ हो जाए और सर्वे करके जितनी चीजें दी जानी है, जितनी राहत की राशि दी जानी है और बाकी व्यवस्थाएं दी जानी है वो सब करेंगे। साल 2021 की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान पूरे साल बल्ले बल्ले नजर आते रहे। बच्चों के मामा जी अफसरों के लिए सख्त प्रशासक भी नजर आए। शिवराज के फैसले ही नहीं, उनकी भाषा और फैसले लेने के तरीके भी चर्चा में रहे। भारी भ्रष्टाचार किया गया, लोगों से पैसे लिए गए। मैंने तत्काल सीएमओ उपयंत्री को सस्पेंड कर दिया और यह आदेश निकाल दिया, कोई भ्रष्ट बचेगा नहीं। लफ्जियात के खिलाफ कानून बनाने के लिए भी उन्होंने तत्काल सख्त फैसला लिया। मध्य प्रदेश में बना कानून यूपी के कानून से भी ज्यादा कड़ा है। यही नहीं, जब प्रदेश के कुछ स्थानों पर धार्मिक या सामाजिक रैलियों पर पथराव हुए तो सीएम शिवराज ने पत्थरबाजों के खिलाफ भी कड़ा कानून बनाने की घोषणा कर दी। कड़ा कानून बना रहा हूं, पत्थरबाजों को आजीवन कारावास होगा, बिलावल खोरियों को आजीवन कारावास। कानून में पत्थरबाजों की संपत्ति बेचकर नुकसान को पूरा किए जाने का भी प्रावधान है। अपराधियों के खिलाफ प्रदेश में जिस तरह की सख्ती और त्वरित कार्रवाई देखने को मिली वैसी सख्ती पहले कभी नहीं देखी गई। कई जिलों में स्थानीय प्रशासन ने भूमाफियाओं के खिलाफ वारदात के 48 घंटों के अंदर आरोपियों के घर तोड़ दिए। आजकल अपन खतरनाक मूड में, गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा। रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा, 10 फीट पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। सख्ती ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशीलता भी 2021 में चर्चा में बनी रही। कोरोना काल में पूरे देश में सबसे ज्यादा यदि कोई मुख्यमंत्री नजर आए तो वो शिवराज सिंह चौहान ही थे। यही वजह थी कि कोरोना के भयंकर विस्फोट को सबसे पहले एमपी में ही कंट्रोल में लाया गया और कोरोना पर नियंत्रण के बाद राहत कार्यों में भी शिवराज सबसे आगे नजर आए। फिर चाहे वो अनाथ हुए बच्चों की सरकार की तरफ से परवरिश की बात हो या फिर जान गंवाने वालों के परिवारों को आर्थिक मदद की बात हो, एमपी सबसे आगे बना रहा। दूसरी बात आई थी अनाथ बच्चों के लिए, तो हम लोग आज ये फैसला भी कर रहे हैं कि कोविड के अलावा भी जो अनाथ बच्चे हैं उनको हम सड़कों पे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। और इसलिए समाज के साथ मिलकर सरकार ऐसे बच्चों की शिक्षा, ऐसे बच्चों के आश्रय की व्यवस्था और ऐसे बच्चों के आहार की व्यवस्था, जीवन यापन की संपूर्ण व्यवस्था करेगी। आमतौर पर शिवराज सिंह चौहान की छवि एक विनम्र प्रशासक की रही है, लेकिन पिछले एक साल में उनके तेवरों और फैसलों ने बता दिया है कि संवेदनशीलता के साथ साथ उनके अंदर एक सख्त प्रशासक भी परिपक्व हो चुका है। यहाँ ड्रग्स के मामलों की मुझे शिकायत मिली है बहुत ज्यादा, जो भी ड्रग माफिया है उनको नेस्त नाबूद कर दो।
और नए साल 2022 में मध्य प्रदेश को सीएम शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशीलता और शक्ति की युक्ति तरक्की के नए सोपानों पर ले जाएगी, ये तय है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से चल के मिलेंगे साये बाहर के। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज़, भोपाल।